माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 आवाज आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, लास्ट लेक्चर हमने देखा था मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब तक हमने जो भी इफेक्ट देखा रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो इफेक्ट था कंसंट्रेशन का इफेक्ट था ठीक है। और कंसंट्रेशन प्रेशर वगैरह इफेक्ट हमने देखा कि रेट पे कैसे ये वेरी करते हैं। अब जो हम इफेक्ट देखने वाले हैं वो इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, आखिर टेम्परेचर से कैसे वेरिएशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि आपको पता है कि गैसियस रिएक्शन के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट में जाने के। ओवरऑल आप ऐसा बोल सकते हो, साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि कभी भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। ये एक्चुअली ये अब देखो, यहाँ से जितने भी इफेक्ट आप देखोगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंटल्स। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं अपने मन से ये सब चीज़ें बताता हूँ। अपने मन से कुछ नहीं बेटा, साइंटिस्ट ने इनको एक्सपेरिमेंट्स किया, ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद देखा गया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये टोटली जो बेस्ड है ना इफेक्ट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट, हालांकि पूरा केमिकल काइनेटिक्स एक्सपेरिमेंटल है और ये भी पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये ऐसा थ्योरेटिकली कोई बता नहीं रहा आपको। ठीक है, तो याद रखना कभी भी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स बढ़ता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, rate of reaction increases and normally it is found that normally it is found that on increasing temperature by 10 degree Celsius, कितने से बढ़ता है, rate of reaction increases by 2 to 3 times क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर कॉफिशियंट का, किसका आता है, टेम्परेचर कॉफिशियंट, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा रेसिस्टेंस कॉफिशियंट, रेसिस्टेंस कॉफिशियंट क्या बताते हैं कि मतलब अगर भला आप टेम्परेचर T1 और T2 टेम्परेचर तक लेके जाते हो तो रेसिस्टिविटी में चेंज आता है, तो वही चेंज बताता है कि भाई इंक्रीज इन बताता है कि भाई वो रेसिस्ट शायद समथिंग सॉर्ट ऑफ यही होता होगा, उतना तो मुझे याद नहीं है बट शायद मे बी टेम्परेचर कॉफिशियंट वो होता होगा वहाँ पे, रेसिस्टिविटी कॉफिशियंट उसको शायद बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या है, टेम्परेचर कॉफिशियंट वो है कि भैया अगर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ द रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स बढ़ सकता है। तो ये जो 2 और 3 है यही मेरे लिए अल्फा है भाई, कितने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ रहा है, कितने टाइम बढ़ा, वो अल्फा है मेरे लिए। अब किसी किसी बुक में 2 दिया हुआ है कि भाई 10 डिग्री बढ़ाने पर 2 टाइम्स बढ़ता है, किसी किसी बुक में दिया हुआ है कि भाई 10 डिग्री बढ़ाने से 3 टाइम बढ़ता है, तो ये 2 टाइम 3 टाइम यही मेरे लिए अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बस इसका डिफाइन लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड डिफाइंड एज इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड डिफाइंड एज ratio of rate of reaction at
टेम्परेचर रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस ठीक है। नॉर्मली जब कोई टेम्परेचर ना दिया जाए, नॉर्मली कोई टेम्परेचर ना दिया जाए, हम 25 डिग्री एंड 35 डिग्री लेते हैं। कितना लेते हैं? 25 डिग्री एंड 35 डिग्री। बेसिकली कहने का मतलब है आरटी और आरटी प्लस 10, ये किसके बराबर होगा? आपको अल्फा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर। आरटी का मतलब इनिशियली मान लो आपने 25 डिग्री पे लिया, 10 डिग्री से बढ़ाया तो आर 35 डिग्री होगा, ठीक है। इसी को हम अल्फा के बराबर, भाई जितना भी इंक्रीज हुआ होगा वो मेरे लिए क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 25 क्यों लिया? देखो ऑलमोस्ट हम भी जानते हैं ये बात कि दुनिया में जो भी रिएक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे होता है, तो हमारे लिए रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री क्या होता है? मेरा रूम टेम्परेचर। और जो 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा? 35 डिग्री। तो इन्हीं का रेशियो मुझे क्या डिनोट करेगा? आपको अल्फा डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा बेटा? अल्फा डिनोट करेगा। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्या हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको भी समझ में आएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज आर, इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज आर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अल्फा, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट कहाँ बोला? 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। आपको बताते जाना है, मतलब बेसिकली आपको एक तरीके से जनरल फॉर्मूला ही निकालना है कि हर 10 डिग्री पे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा पे क्या चेंज होगा। देखो ठीक है, आर 25 डिग्री पे मेरा कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन आर है। आर 35 पे मुझे निकालना है अल्फा की वैल्यू से दी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ आर 25 डिग्री और आर 35 डिग्री का ही रेशियो क्या होता है? अल्फा होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन एट 35 डिग्री क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू आर 25 डिग्री, मतलब अल्फा इंटू आर, मतलब 35 डिग्री पे अल्फा टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अल्फा टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन 25 डिग्री से, जब 25 डिग्री पे आर है तो 35 डिग्री पे क्या होगा? अल्फा टाइम्स वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई कहानी इसकी। अगर मुझे 45 पे निकालना तो अगेन क्या कर, इनिशियल आप लोगे 35 डिग्री और आर क्या लोगे? 45 डिग्री, तो ही ये वैल्यू आर हो जाएगी। अब आप बोले सर यहाँ 25 लेंगे यहाँ 45 लेंगे तो वैल्यू नहीं डिफाइन होगा। नहीं डिफाइन होगा, क्यों? क्योंकि जो रेशियो हम लेते हैं वो हमेशा हम 10 डिग्री का डिफरेंस का ही लेते हैं, तो तभी वो अल्फा के वैल्यू डिफाइन होती है, ठीक है। तो आर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा टाइम्स ऑफ आर 35 को मैंने कितना निकाला? अल्फा इंटू आर, मतलब अल्फा स्क्वायर आर, ठीक है। ऐसे आर 55 डिग्री बाय आर 45 डिग्री क्या हो जाएगा? अल्फा। तो इसका मतलब आर 55 डिग्री क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आर, मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब आर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आर 65 डिग्री डिवाइडेड बाय आर 55 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा, तो आर 65 डिग्री पे कितना होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन है 65 डिग्री सेल्सियस पे, अल्फा इंटू 55 डिग्री क्या? अल्फा क्यूब इंटू आर, मतलब रेट ऑफ 65 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो रहा है? अल्फा का पावर 4 आर। तो इसका मतलब मैं इन जनरल वे में क्या लिख सकता हूँ? देखो इन जनरल वे में, क्योंकि ऑन सो ऑन तो बार बार मैं निकालते नहीं रहूँगा, देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ तो नीचे क्या होगा? आर टी और आर, इसको ऐसा लिख सकते हो आर टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अल्फा का पावर डेल्टा टी बाय 10 इंटू आर, ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे? जैसे सपोज करो टेम्परेचर 25 डिग्री दिया था और आप सपोज करो 65 डिग्री पे रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना चाहते हो, तो ये डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा टी मुझे रिप्रेजेंट करेगा 25 और 65 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आर 65 ऊपर, आर 25 नीचे, तो डेल्टा टी आपके पास कितना हुआ? डेल्टा टी आपके पास हो गया टेम्परेचर 25
और 65 में कितना 40, तो 20 प्लस 25 प्लस 40 डिग्री कितना होगा 65, तो 45 डिवाइडेड बाय 10 मतलब अल्फा का पावर 4 आर। देखो आ रहा है ये फॉर्मूला, अगर 55 पे निकालते हैं डेल्टा डी कितना हो जाएगा आर 55 डिवाइडेड बाय आर 25, 30 का डिफरेंस आता है तो 30 डिवाइडेड बाय 10 तो अल्फा क्यूब आर, वो भी आ रहा मेरा अल्फा क्यूब आर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जनरल फॉर्मूला इनका निकाल सकते हैं। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है कि टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव सेम रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस have same rate at 25 degree Celsius if temperature coefficient of first reaction is 2 and of second reaction is 3। ठीक है दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास, ठीक है सेम रेट का, दोनों का 25 डिग्री पे, दोनों रिएक्शन का 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या है सेम है। ठीक है और लेकिन फर्क क्या है, एक पहले वाले रिएक्शन का टेम्परेचर अल्फा जो है वो 2 है, दूसरे वाले का क्या है अल्फा 3 है। ठीक है तो क्या बोला उसने, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन at 75 degree Celsius। ठीक है तो फर्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है तो R 25 डिग्री कितना हो जाता है, मान लो R ही है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 2 है, तो R 75 डिग्री पे मुझे क्या करना है निकालना है, तो R 75 डिग्री डिवाइडेड बाय R 25 डिग्री, ठीक है अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी, कितना का डिफरेंस आ रहा है 50 का डिफरेंस, 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू आर तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 आर आ जाएगा। ठीक है वही सेकेंड रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अगेन आर 25 डिग्री पे तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, तो उसने क्या पूछा अगेन रेट ऑफ द रिएक्शन है 75 डिग्री कितना होगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन लेट इट गो, ठीक है ये मैं आर 1 के बराबर मान लेता हूँ, रेट ऑफ 75 डिग्री किसके बराबर 2 का पावर 5 आर और ये वैल्यू आर 1 के बराबर मान लेता हूँ मैं। ठीक है तो R अगेन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय R 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा का पावर 5 R, मतलब यहाँ पे अल्फा का पावर 5 तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि R 75 डिग्री को मैं R 2 मान लेता हूँ और ये किसके वैल्यू 3 का पावर 5 R, इन दोनों का रेशियो पूछा है R 1 बाय R 2 का रेशियो तो 2 बाय 3 का पावर 5 R R तो क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एग्जैक्ट क्या होगा बेटा आंसर होगा। ठीक है अब यहीं पे क्या एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है तो आई होप्स आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक्चुअली ये जो ग्राफ होता है ये मैक्सवेल का ग्राफ है, किसका है मैक्सवेल ग्राफ। ठीक है आपको पता है मैक्सवेल का ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है और यहाँ पे क्या होता है एनर्जी, तो ये ग्राफ कैसा रहता है डंबल शेप का रहता है, किस टाइप का रहता है डंबल शेप, आपको पहले बताया था गैस स्टेट में भी बताया था मैक्सवेल का ग्राफ हमेशा किस टाइप का रहता है डंबल शेप, और ये ऑब्वियस बात है प्रोबेबिलिटी के पर ही पूरा बना हुआ है ये। ठीक है अब ऐसा क्या होगा, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अब जैसे इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पे समझो यहाँ पे मैंने दो लाइन खींचा हुआ है, क्या किया मैंने
दो लाइन खींचा, ये दो लाइन का अपना मीनिंग है, वो क्या मीनिंग होता समझो बात को, ठीक है। इस दो लाइन के बाद में शेडेड रीजन दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अब है क्या इसमें एक्चुअली समझो बात को, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ ऐसे देखो, ये क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है मुझे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये लाइन मुझे बता रहा है एनर्जी। तो देखो ऐसे बहुत से रेयर ही मॉलिक्यूल होंगे जिनके एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे बहुत से कम ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे ना जिनके एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होगी, और ऐसे बहुत ही कम होंगे जिनकी रिएक्टेंट एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो वैसे भी मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। ये सब हालांकि आप गैस स्टेट में पढ़ चुके हो, वहाँ पे हम वेलोसिटी करते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी के टर्म से रिएक्ट कर। बट व्हाट आई मीन टू से दैट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो ये जो कर्व है, जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट को यहाँ से हम ER से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ER क्या करता है भाई, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किसका डिनोट करता है? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो आता है ये जो लाइन है, ये होता है मेरा ET। क्या बोलते हैं हम? ET मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, यही एक वो मिनिमम एनर्जी है जो कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, और जब तक इस कैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एक्चुअली में देखो, इतने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट का मॉलिक्यूल होता है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे तभी तो क्या हो रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, अदरवाइज वो तो प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा। होता क्या, जैसे मैंने अगर बोला कि अगर A2 है और B2 है तो दोनों मिलकर ट्वाइस ऑफ AB बना रहा है, तो एक A2 एक मोल और B2 का एक मोल, तो एक्चुअल में मोल कौन सबसे क्या बोलते हैं भाई, 6×10^23 A2 मॉलिक्यूल है, वो 6×10^23 B2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके AB में बनाता है। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं। अगर एक्चुअल में ऐसा होता कि सारा का सारा 6×10^23 और 10^23 दोनों कंबाइन कोलाइड करके अगर AB बना दिए होते तो वो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। लेकिन जबकि मुझे पता है दुनिया में ऐसा कोई रिएक्शन है ही नहीं जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो, तो कुछ ना कुछ वो टाइम जरूर लेता। वो टाइम किस वजह से, क्योंकि जितने भी कोलिजन होते वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हो, ये आगे मैं हालांकि कोलिजन थ्योरी में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो बेसिकली कंडीशन क्या होती है, देखो आज से बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, जाने तो या जाने ना, ठीक है, इमरान खान की मूवी थी, ठीक है, उससे रिलेट करता हूँ। उसमें स्टोरी ऐसा रहता है कि भाई कि अगर आपको इस जगह का राजा बनना है तो आपको तीन कंडीशन फॉलो करने पड़ती है, तीन कंडीशन, ठीक है, राजा बनने के लिए उस जगह का। पहला, किसी को मारना पड़ता है, दूसरा जेल जाना पड़ता है, तीसरा घुड़सवारी करनी पड़ती है। मतलब जब आप ये तीनों काम कर लोगे तब आप उस जगह के राजा बन जाओगे, इस टाइप की सॉर्ट ऑफ स्टोरी थी। ये भी समथिंग लाइक उसी तरीके से भाई, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो कम से कम उसको तीन कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। पहला कंडीशन, एक तो टकराना पड़ेगा, टकराने के ज़्यादा एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकराना पड़ेगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराना पड़ेगा। जब ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तभी वो क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको एनर्जी का बता रहा हूँ, स्लाइटली सा कॉन्सेप्ट है, बट समझिए, ये आगे मैं आपको और भी बताऊंगा क्या होगा कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस बैरियर को जैसे वो क्रॉस करेगा अपने आप वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको आप ऐसे समझो, एक तरीके से JEE का कट ऑफ मार्क्स है, एडवांस का कट ऑफ मार्क्स है, आपने कम से कम इससे थोड़ा सा भी ज्यादा स्कोर कर लिया कहीं ना कहीं IIT में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर कट ऑफ मार्क्स मान लो आपको, जैसे सपोज करो कट ऑफ मार्क्स भी आप, हाँ कट ऑफ मार्क्स से बोलो तो बेटर है, कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा सा भी नीचे रहे तो क्या आपको IIT मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक समझ लो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली एक वो कट ऑफ मार्क्स है जो आते ही आपको IIT में सिलेक्शन करा देगा। तो उसी तरीके से रिएक्टेंट के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए टकराने के लिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इतने पूरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में सिर्फ इतना ही पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है, बाकी सारे पार्ट कोई मतलब के नहीं होते। और अभी आपको मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। देखो यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे
तो देखो फिर से थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन की चेंज नहीं होती, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है रिएक्टेंट की नहीं होती, ये रिएक्शन के लिए होती है। कि भाई जैसे सपोज करो, आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे सपोज करो आपको 46 इंच का एलईडी टीवी लेना है, तो हर ब्रांड का अपना एक मिनिमम प्राइस होता है। जैसे सपोज करो आप सोनी का लेने जाओगे तो 50,000 पड़ेगा, आप सपोज करो LG का लेने जाओगे तो 40,000 पड़ेगा, आप सपोज करो वन प्लस का लेने जाओगे तो 70,000 पड़ेगा, एप्पल का लेने जाओगे तो 1,00,000 पड़ेगा। तो भैया इट डिपेंड ऑन द ब्रांड टू ब्रांड। तो वही क्या होता है, हर ब्रांड का अपना एक मिनिमम प्राइस होता है इतने इंच के टीवी के लिए। भाई 46 इंच के टीवी के लिए मान लो इतना मिनिमम प्राइस आपको, ठीक है, इतना पैसा है तो आप ले सकते हो। सपोज करो आपको टीवी लेना है एप्पल का जिसका 1,00,000 प्राइस है कम से कम, ठीक है, और आपने क्या किया, आप अभी मैं सिर्फ थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको मिनिमम चाहिए 1,00,000, आपके पास सपोज करो 80,000 है, तो क्या आप टीवी ले सकते हो? नहीं ले सकते, कम से कम भैया 1,00,000 तो चाहिए। अगर आपको 20,000 किसी ने दे दिया तो आप सीधे कहाँ से कहाँ जंप कर जाओगे, यहाँ से यहाँ जंप कर जाओगे और तुरंत एक्टिवेट हो जाओगे, अरे यार अब तो चलो मार्केट 20,000 आ गया, 1,00,000 आ गया, चलो टीवी लेकर आ जाते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचाने में जो एनर्जी प्रोवाइड करी हमने ताकि आप एक्टिव हो गए, टीवी लेकर आ गए, उसको आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ताकि वो यहाँ तक पहुँच जाए, तो जस्ट बिकम एक्टिवेट। जब तक मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड नहीं होगा तब तक वो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और इसी पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। हालांकि आगे मैं समझाऊंगा, बट फिलहाल क्या आपको बस थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड किए यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए टू बिकम एक्टिवेट, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्शन को प्रोसेड करने के लिए, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये मेरे एवरेज एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की यही एनर्जी होती है, ठीक है। तो दिस आर द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, नीचे जाता है ग्राफ, स्लाइटली सा क्या होता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब वही बात है कि ठीक है, ये हो सकता है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, मान लो हो सकता है अब आपके पास मान लो सपोज का 95,000 है, अब आपको सिर्फ 5,000 चाहिए ना, टीवी का तो मिनिमम प्राइस घट नहीं सकता ना, वो तो एज इट इज उतना ही रहेगा। आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। पहले इतने ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे या इतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन अब इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका एक्टिव कुछ मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इतना एनर्जी वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस बैरियर को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी ETER। ये हालांकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट ठीक है, एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पहले सिर्फ इतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, तो इनको इतना ही एनर्जी चाहिए, तो आप हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुरंत वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तुरंत अपने आप को क्या कर लेगा, तुरंत आपको इस एनर्जी के बराबर ले आएगा और अपने आप को प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यही होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या कर देता है, इस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा चालू होता है इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी में क्या, जैसे सपोज करो A2 + B2 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ AB, ठीक है। तो अब इसको मैं समझाने के लिए आपको क्या बता रहा हूँ, देखो ये जो इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी है,
ये आर्हेनियस का दिया हुआ है. क्या है? आर्हेनियस का. मैंने आपको क्या बोला था उस मूवी में, क्या था, राजा बनने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है. इसी तरीके से किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना तो 3 कंडीशन उसको फॉलो करनी पड़ेगी. पहला तो टकराना पड़ेगा, ये तो मिनिमम कंडीशन है कि कम से कम जब टकराएगा तभी वो जाके बन पाएगा. ठीक है. जनरली मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता था, हम ये ऐसा इस रिएक्शन को ऐसा पढ़ते थे कि भाई 1 mole of A2 रिएक्ट विद 1 mole of B2 गिव प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी. ठीक है, सही बात है. लेकिन अगर ओरिजिनल में देखो तो क्या है, 6 × 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ A2 रिएक्ट विद 6 × 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ B2 इज गिव ऑन कोलाइडिंग विद दे गिव ट्वाइस ऑफ ए बी. अगर सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना लेते थे तो ये रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता था. क्या होता था, डालते थे प्रोडक्ट बन जाता. ए टू बी टू मिलाया, 2AB बन गया. ए टू बी टू मिलाया, 2AB बन गया. बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ आइडियल सिचुएशन में होता है. मतलब पॉसिबल नहीं है बेटा कि आपने 2 मिलाया तुरंत वो बन गया, ऐसा होता ही नहीं है. ठीक है, जब इंसान आइडियल नहीं है तो ये तो रिएक्शन है, रिएक्शन कहाँ से आइडियल हो जाएगा. तो होता क्या, मैंने क्या बोला, कम से कम 2 कंडीशन चाहिए. एक तो प्रॉपर टकराना चाहिए सही तरीके से और सफिशियंट एनर्जी के साथ टकराना चाहिए. क्या आना चाहिए, सफिशियंट एनर्जी. तो इसी का समझो बात को, जैसे सपोज करो ये आपका गाड़ी है और ये आपका पेन है. ठीक है, सपोज करो मैंने बोला, अगर ये मान लो SUV कार है और ये टाटा नैनो कार है, सपोज करो. ठीक है, अब मैं क्या बोला, आपका जिंदा आदमी जो है वो रिएक्टेंट है और मरा हुआ आदमी आपका प्रोडक्ट है. मरा हुआ आदमी आपका क्या है, प्रोडक्ट है. अब सपोज करो आपको दो, ऐसा माना जाता है कि 2 गाड़ी टकराए, कम से कम 150 किलोमीटर की स्पीड से दोनों टकराएगा तब वो जाके क्या हो पाएगा, आदमी मर पाएगा. तब एक्सीडेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं मरने के. ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा कि अगर ये दोनों 150 की स्पीड से जा रहे हैं और सपोज करो साइड से टकरा के चले गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, साइड से थोड़ा गाड़ी को स्क्रैच आएगा या हेडलाइट वगैरह टूटेगा बट इंसान मरेगा नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते, एनर्जी तो इनके पास प्रॉपर है बट प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ये कोलाइड नहीं कर रहे. तो जब तक ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड नहीं करेंगे तब तक ये प्रोडक्ट बन नहीं सकता. एक बार ऐसे टकरा है, मान लो इस तरीके से आप देख लो, इस तरीके से टकरा, इस तरीके से मान लो, अभी भी ये क्या, ये सेंटर में तो टकरा नहीं रहा, और जब तक सेंटर में टकराएगा नहीं तब तक फिर भी नहीं. लेकिन एक तीसरा कंडीशन मारा पर 150, अब क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है लेकिन हेड ऑन कोलिजन हो रहा है. लेकिन आपको स्पीड कितनी चाहिए मरने, इस इंसान को मरने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, 150. अब देखो क्या है, स्पीड है लेकिन प्रॉपर कोलिजन है बट स्पीड नहीं है. लेकिन अब चौथा कंडीशन है कि भैया दोनों की स्पीड 150 और दोनों हेड ऑन कोलिजन आ रहा है, तो नो डाउट दोनों में से एक ड्राइवर तो आपका जरूर मरना तय है. दोनों में से एक ड्राइवर क्या है, मरना तय है. तो आप समझ पा रहे हो मैं कहने का मतलब क्या है, भैया एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ भी टकराना चाहिए, तभी जाके रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, या तभी आप ऐसा बोल सकते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है. इसलिए इसका मतलब 6 × 10⁻³ A2 मॉलिक्यूल के साथ अगर जो कोलिजन होगा B2 मॉलिक्यूल का, मान के चलो पर सेकेंड 10⁻²⁷ कोलिजन होता है. कितना होता है, 10⁻²⁷ टाइम्स कोलिजन होता है. कितने कोलिजन होते हैं, लेकिन सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं भाई. कोई ऐसे टकराया, कोई ऐसे टकराया, कोई कैसे टकराया, किसी का अगर कोई प्रॉपर टकराया तो एनर्जी नहीं होगी. बहुत रेयरली ऐसे कोलिजन होते हैं जिनके पास प्रॉपर एनर्जी होती है और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराता है और वही मॉलिक्यूल मेरे क्या होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है. ठीक है, प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तभी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. बाकी सब ऐसे कैसे ही रहते हैं, इसलिए रिएक्शन को प्रोडक्ट, इसलिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट होने में इतना टाइम लग जाता है. ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑब्जर्व पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर इज 10⁻²⁷. If all these collision are effective, if all these collision are effective, then reaction should be, completed
then the reaction should be completed. Then the reaction should be completed within fraction of second. Within fraction of second. Within fraction of second. But normally reaction require. But normally reaction require, but normally reaction require finite time for their completion. Finite time for their completion. Finite time for their completion because most of the collision are because most of the collision are non-effective. बहुत सारे collision क्या होते हैं बेटा मेरे, non-effective होते हैं, इसलिए थोड़ा time लग जाता है reaction को, reactant molecule को product में convert होने के लिए, ठीक है? For a collision to be effective, for a collision to be effective, for a collision to be effective, it should overcome two type of barrier, ठीक है? अगर किसी कॉलिजन को इफेक्टिव होना है तो दो टाइप के बैरियर को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, दो कंडीशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा. पहला कंडीशन क्या होता है? एनर्जी बैरियर. एनर्जी बैरियर में ही कॉन्सेप्ट आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? जिसको हम ईटी से डिनोट करते हैं. किसे डिनोट करते हैं? ईटी से, ठीक है? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है भाई? जो मैंने बोला मिनिमम पैसा चाहिए भाई, जो भी टीवी खरीदने के लिए, वही थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है? तो यही यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी चाहिए भाई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? तो ये तो भाई बात सही थी कि भाई मिनिमम एनर्जी जो चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? इसके कुछ और बातें भी रहती है. मैंने एक बात है, क्या आपको याद होगा ग्राफ में टेम्परेचर चेंज करने पे ईटी पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है? अब गर्मी हो या सर्दी, डिस्काउंट हो या कुछ भी हो, मान लो जनरली क्या आपने देखा होगा एप्पल के उसमें ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं, तो वो जो इतना है इतना है आपको खरीदना ही है. उसी तरीके से क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी एक ऐसी एनर्जी है जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है हमेशा. तो कभी भी आप ग्राफ में देखना तो आपको ये एनर्जी उसी तरीके से मिलेगी, और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है. तो ये एनर्जी कभी भी, भले एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो सकता है, ईआर भी चेंज हो सकता है, बट ईटी कभी भी चेंज नहीं हो सकता टेम्परेचर के साथ. तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, ठीक है? और ये किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होता है. हर रिएक्शन का अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है अपना, और अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी. आई बात समझ में? जैसे अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस है भैया, वैसे ही उसी तरीके से क्या, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, और वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता किसी भी कंडीशन में. चाहे आप टेम्परेचर चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम इतना होगा. आई बात समझ में? लिख देता हूँ मैं इसको भी. इट इज़ फिक्स्ड फॉर एनी
given reaction it is fixed for any given reaction comma independent of temperature and it is different for different reaction. आई बात समझ में? ठीक है, अगर मैं बोलूं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी से कम है तो कोलिजन कैसा होगा? नॉन इफेक्टिव कोलिजन. क्या होगा? नॉन इफेक्टिव, एनईसी में लिख रहा हूं. और अगर मान लो ईआर जो होगा ग्रेटर देन ईटी होगा तभी कोलिजन क्या होगा? कोलिजन इज, क्या बोलूंगा मैं, कोलिजन इज इफेक्टिव. तभी ये मेरा कोलिजन कैसा होगा? इफेक्टिव होगा. तो ये मेरा पहला ये था कि भाई कम से कम इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड आता है मेरा ओरिएंटेशन बैरियर. क्या आता है? ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन बैरियर. ठीक है, मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए मॉलिक्यूल को प्रॉपर ओरिएंटेड होना पड़ेगा. जैसे इसी रिएक्शन के एग्जांपल करता हूँ मैं. जैसे सपोज करो यहाँ पे ए है और यहाँ पे मेरा ए टू हो गया. क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा क्या है? बी. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं. क्या हो रहा है? हेड ऑन कोलिजन. ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे? होगा कि भैया एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेंगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा. क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन. अब इस केस में देखो, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी? मैक्सिमम. और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी? मिनिमम. क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं स्पीड में जा रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी अभी ज़्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. तो अब क्या होगा, एक सेकेंड के लिए मैं ऐसा मानता हूँ जब ये जाएंगे, ठीक है, ये तुरंत आ रहे हैं भाई, मान लो एनर्जी सफिशियंट है. अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ इस केस में कि एनर्जी फिलहाल के पास सफिशियंट है. तो जैसे ये आएंगे तो ये टकराएंगे हेड ऑन कोलिजन, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए एक दूसरे से स्टिक करेंगे. मानते इस बात को? तो मैं ऐसा मानता हूँ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं? स्टिक कर रहे हैं. कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं? स्टिक कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बनेगा. ए और ए का बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा, बी और बी का बॉन्ड डिसोसिएट होगा और ए और बी वाले बॉन्ड क्या हो जाएगा? बनने लगेगा. और इसी स्टेट को, मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होता है? फॉर्मेशन होने लगता है, लिख देता हूं मैं. और ये वाला बॉन्ड क्या होता है? डिसोसिएशन होने लगता है इनका. ठीक है, और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? जब एक दूसरे से स्टिक करेंगे उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट. या बोल सकता हूं द मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड नाउ. तो जब मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाता है तो 110% वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा. तो इसका मतलब एक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच चुका है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में 100% कन्वर्ट करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है. तो आप बोल सकते हो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. या आप इसको ऐसे बोल सकते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. क्या लिखते हैं हम इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है. क्या होता है ये? हाईली अनस्टेबल होता है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है? उस केस में मिनिमम हो जाती है. ठीक है, फर्दर यहां से क्या होगा? फर्दर यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एनर्जी क्या होगी? रिलीज्ड होगी. तो क्या होगा? अगेन ठीक है, देखो तो दिस इज, यहां पे अब इस केस में क्या होगा?
काइनेटिक एनर्जी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी। भाई ये तो टकरा है, इनका ए बी का बॉन्ड बना, ए बी का बॉन्ड बना, आपस में टूटे, ए और ए आपस में टूटेगा, बी और बी आपस में टूटेगा, ए बी बन जाएगा और अलग हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं भाई प्रॉपर एनर्जी के साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराएगा तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है, अदरवाइज वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो अब जैसे कुछ कंडीशन में आपको बोलता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए कि इस केस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। ठीक है, जैसे सपोज करो पहला कंडीशन है ए और बी हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, हेड ऑन कॉलिजन, लेकिन अभी क्या है ER जो है वो लेस देन 80 है, तो क्या ये कॉलिजन इफेक्टिव होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी एनर्जी तो क्या है, एनर्जी ओरिएंटेशन वाला बैरियर तो फुलफिल कर रहा है बट एनर्जी वाला बैरियर फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन दिए, मान लो ए ऐसे कर रहा है और बी ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ER इज ग्रेटर देन 80, क्या ये अभी भी कॉलिजन इफेक्टिव होगा, नहीं होगा। क्यों? प्रॉपर ओरिएंट, देखो हेड ऑन कॉलिजन नहीं है इसका, लेकिन एनर्जी वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है बट ये क्राइटेरिया ओरिएंटेशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो अभी भी ये क्या होगा, नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होगा। क्या होगा? नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। तीसरा कंडीशन मैं ये मानता हूँ कि मान लो ए है और बी है, हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है और अभी भी ER इज ग्रेटर देन 80, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव, क्योंकि ओरिएंटेशन के साथ भी टकरा रहा है और इस तरीके से भी। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, वही आपको मैंने पढ़ा दिया बट फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एनर्जी इसको हम क्या बोलेंगे ER, इसको हम क्या बोलेंगे ET, क्या बोलेंगे ET बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के हमको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वाला वो वाला पार्ट है जो वो एक्टिवेटेड हो चुका है, या आप ऐसा बोल सकते रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जस्ट अबाउट टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जस्ट टू बिकम मॉलिक्यूल एक्टिवेट, या वो अपने ट्रांजिशन स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल above their average energy level to make them participate in the reaction known as activation energy। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी हम जो देते हैं रिएक्टर मॉलिक्यूल को ताकि वो अबव देयर एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब यहाँ से वो यहाँ चला जाए, टू मेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ ET माइनस ER, याद रखना बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है,
आई बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक एक करके सब चीज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्राफ्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इनके दो ग्राफ हैं, एंडोथर्मिक के लिए अलग होता है, एक्सोथर्मिक के लिए अलग होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं एंडो के लिए बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ एंडो का कर्व कैसा होगा, देखो मुझे पता है ईआर कहां होता है, नीचे होता है, और एंडो में तो ये कुछ ऐसा रहता है। ओके सॉरी, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ रहेगा किसका, इसका एंडो का। तो ये हो जाएगा एनर्जी कोऑर्डिनेट या पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे एक्सो का ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ऑफ एक्सोथर्मिक, अगेन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ईआर, अरे शुक्रिया, ईपी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो पीक होता है ना इस ग्राफ में, ये पीक होता है ट्रांजिशन स्टेट, या आप इस एनर्जी को आप बोलोगे क्या, ईटी बोलोगे, क्या बोलोगे, ईटी। ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, डेल्टा एच, दिस इज द डिफरेंस ऑफ डेल्टा एच। ठीक है, अब यहां से यहां जाना है आपको, तो अगर मैंने आपको इतना सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला, अभी जैसे सपोज करो आप इस पोजीशन पे हो और आपको पहाड़ पे चढ़ना है, मैं बोलूंगा आपको बिना खाए पिए चढ़ो। ठीक है, मैं बोला, जैसे सपोज करो मैं किसी बच्चे को टूर पे लेके जा रहा हूँ, मैं बोला भाई आप इस पहाड़ के नीचे हो, आपको पहाड़ के ऊपर तक चढ़ना, जो पहाड़ के ऊपर तक चढ़ जाएगा वो उसको मैं 1,00,000 प्राइस दे दूंगा, मैं या पहाड़ को पूरा क्रॉस करना, तो यहाँ तक क्रॉस करके आप ढलकते ढलकते तो नीचे आसान है, नीचे आना माना थोड़ा ऊपर चढ़ाई करना हार्ड है। मैं बोला आप चलो, मैं 10 बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, 10 बच्चा बोलेगा सर हाँ ठीक है चढ़ेंगे, तो उसमें एक या दो ही ऐसा बच्चा होगा आइडियली जो मेरा कहना मानेगा, वो पहाड़ तक ऊपर चढ़ जाएगा भाई, टीचर को इम्प्रेस करना, और नीचे भी उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन बिना मैंने कोई एनर्जी अभी प्रोवाइड नहीं की, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी उसके उतने तक की मैं बात करूँ। ठीक है, अब यहाँ ईआर के यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, 10^23 मॉलिक्यूल है, उसमें से मुझे लगता है 10 या 20 ही मॉलिक्यूल होंगे जो इसको क्रॉस कर पाएंगे, बाकी तो क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मैं थोड़े हरे आधे घंटे में चिप्स भी देता जाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी देता जाऊंगा, जूस भी देता जाऊंगा, नहीं भी बनोगा तो भी आप ऊपर चढ़ जाओ, क्यों, एनर्जी तो मैं एक्स्ट्रा आपको दे ही रहा हूँ ऊपर चढ़ने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने दिया आपको यहाँ तक यहाँ पुशअप करने के लिए, इससे को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तो लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। मान लो अगर रिवर्सिबल ऐसा हो सकता है, प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहां से यहां जाने के लिए प्रोडक्ट को उस जगह पे जाने के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। अब इसी का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, तो क्या मैं डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूं, डेल्टा ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, फॉरवर्ड का, ये बैकवर्ड, इन दोनों का डिफरेंस ही तो डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एट एनर्जी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूं ई ए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ए ऑफ बैकवर्ड, लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं इससे। आई बात समझ में, एक बार इस स्टेट में पहुंच गया तो 100% वो प्रोडक्ट में बनना तय है, जैसे ही वो यहां पहुंचा प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक पहुंचा तो वापस से वो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन जब तक, अगर मैंने उसको इतना सफिशिएंट एनर्जी दे दिया तो चलो जाओ
जंग जीत कर आना, तो ऊपर से बाधा पहाड़ पे पूरा चढ़ जाएगा और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ से यहाँ को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, और यहाँ के लिए ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा, और ये स्टेट मेरा कौन सा होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ बैकवर्ड की एनर्जी, ठीक है। फिर भाई DMI डेल्टा एच बराबर क्या होता है, ई ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, यही बात समझ में। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आर्हेनियस इक्वेशन का, आर्हेनियस इक्वेशन का ये मानना था कि ये जो हम एक्स्ट्रा ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसने इसकी वैल्यू निकाली था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेटिंग और क्रॉसेस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, e^-EA/RT। तो इतने मतलब इतने में से इतना ही पार्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो जिसकी वैल्यू कितनी होती है, e^-EA/RT। इस पूरे शेडेड रीजन का वैल्यू है क्या है, e^-EA/RT। तो इतना ही पूरे में से, वन मोल में से सिर्फ इतना ही पार्ट रिएक्टेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। तो और मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल रहे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, e^-EA/RT। भाई जितने ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मुझे पता है रेट बराबर क्या होता है, के कंसंट्रेशन का पावर ऑन, ये होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हो तो इसको कंसंट्रेशन को आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e^-EA/RT। क्योंकि देखो कभी भी किसी रिएक्शन में आप एक इफेक्ट देखना हो तो बाकी सारे इफेक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, कांस्टेंट करने। जब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते थे तो याद करो हम टेम्परेचर को क्या रखते थे, कांस्टेंट रखते थे, लेकिन जब आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखोगे तो कंसंट्रेशन को आपको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और के जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो a.e^-EA/RT। देखो जनरली इस इक्वेशन का अपना मीनिंग होता है जो हर कोई समझा नहीं पाता है, बट मैं इसको समझाऊंगा। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए क्या, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, ए इज अ कॉन्स्टेंट नोन एज आर्हेनियस फैक्टर, क्या बोलते हैं हम, आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं, ऑब्लिक इसको हम कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं ऑब्लिक इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं ऑब्लिक इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसका मतलब क्या होता है, एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा है, ये मेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका मतलब रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ द रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स के डिपेंड करता है, द मॉलिक्यूल ए का मतलब द मॉलिक्यूल विच इज हैविंग द प्रॉपर ओरिएंटेशन विद द सफिशियंट एनर्जी क्रॉसेस द विथ प्रॉपर एनर्जी विच क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर, और इन टोटल का सम अप ही मुझे क्या देगा, रेट ऑफ द रिएक्शन देगा। ए फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड आल्सो क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, विल बी रिस्पांसिबल फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। क्या हो गया, सॉरी।
ठीक है, तो यहाँ तक आए हो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक है, चलो आगे हम करते हैं इसी के ऊपर कुछ अवेयरनेस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे या तो फर्स्ट ऑर्डर से आएंगे या तो अवेयरनेस से आएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं। ये तो क्या है, फ्रैक्शन बता रहा है, तो फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है क्या? कोई यूनिट नहीं होता, तो इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका मतलब ए का जो यूनिट होगा वो के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, ए हैज सेम यूनिट एज के। ए का क्या है, सेम यूनिट है के जैसा। दूसरा क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम। ठीक है, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद रखना आर्हेनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन या इन रेडियोएक्टिव प्रॉब्लम पे ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, अब मैं जैसे बोलूँ ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनाइट के। इस कंडीशन पे आपको के का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा है। लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनाइट के को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनाइट ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है मेरा, वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, और e का पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। इसका मतलब k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ, k का वैल्यू a के बराबर होने का मतलब ये है कि इसका मतलब हर कोलिजन क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट टेम्परेचर पे इफेक्टिव हो जाएगा। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी बैरियर, तो वन हो चुका है। मतलब वन मतलब समझ रहे हो, जब आपका फ्रैक्शन का वैल्यू वन हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं मेरे, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर एनर्जी के साथ टकरा रहे हैं, मतलब प्रॉपर एनर्जी के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, एंड वो आप ऐसा बोल सकते हैं, और प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसका मतलब हर कोलिजन क्या हो जाएगा वहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा, हर कोलिजन क्या हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा। के और टी के बीच का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ग्राफ ऐसा रहेगा, ये के और टी का ग्राफ रहेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, आई होप सो ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये अगर इन्फाइनाइट टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे, तो इसका मतलब रिएक्शन का थोड़ा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के, मतलब हर कोलिजन क्या हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा, और तुरंत तुरंत रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। ओके, क्योंकि इन्फाइनाइट टेम्परेचर नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश, के बराबर क्या होगा, ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, टेकिंग एल एन बोथ साइड, तो एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और इसको लॉग के फॉर्मेट में लिखूंगा, तो लॉग के बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसी का लॉगरिथम फॉर्म का दूसरा इक्वेशन। तो इसके ग्राफ की बात करो, ठीक है, तो एल एन के वर्सेस 1/t, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, एल एन के वर्सेस 1/t, जिसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर, क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाय आर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, लॉग ऑफ
ई ए वर्सेस लॉग ऑफ वन बाय टी। इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ये इसका क्या हो जाता है, मेरा स्लोप हो जाता है। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ग्राफ वगैरह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन वेरिएशन ऑफ एलन के इज गिवन बाय इक्वेशन, ठीक है, एलन के जिसका यूनिट दिया हुआ मिनट इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 20 बाई टी कैलोरी। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसमें, पहला कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट -223 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज 1.386 मिनट, मतलब किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ टाइम आपका ये होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है मेरा, एलन के बराबर क्या है मेरा, 5 माइनस 20 बाई टी। तो अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एलन के बराबर हो जाएगा एलन ए माइनस ई ए बाई आर। इसका मतलब टेम्परेचर को छोड़ दो, इसका मतलब ये मैं बोलूँ कि पहला जो वैल्यू होगा ई ए बाय आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 से इक्वेशन आप मैच करके देखोगे, इसका मतलब ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 2 मतलब 40 कैलोरी में निकालना है आपको आंसर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, भैया ए की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन से मैच करो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एलन ए बराबर 5 हो जाएगा, इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर 5, वट एवर जो भी वैल्यू होगा देख लेना, ए का पावर 5 का। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट -223 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट -223 डिग्री, मतलब टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे 50 केल्विन, कितना हो गया 50 केल्विन, मतलब एलन के बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 20 बाय 50, कितना हो जाएगा 5 माइनस 20 बाय 50, दिस कैंसल, मतलब 23 बाय 5। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 4.6। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेस टू पावर 4.6
सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई का पावर 4.6, जो भी वैल्यू होगा आप देख लीजिएगा प्लीज इसको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो मैं क्या कर रहा हूँ, एट वॉट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन, इतना हाफ लाइफ टाइम दिया मतलब के की वैल्यू आपको पता है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा। अब आप बोलो सर ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे, तो गधे कहेंगे ये देखो यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पे मिनट इनवर्सेस, दैट इज वाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो टी हाफ बराबर क्या होता है, एल एन टू बाय 1.386, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, सॉरी के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन टू बाय हाफ लाइफ, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, के की वैल्यू आएगी 1/2, कितनी आएगी 1/2, तो एल एन 1/2 इज इक्वल टू 5 - 20/t, तो जो भी एल एन 1/2 की वैल्यू होगी प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरा आपको आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक चालू होता है, ठीक है, इसके बाद है वेरिएशन, हम देखेंगे रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वो कैसे वैरी करता है वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो अगर मैं वेरिएशन की बात करूं, ठीक है, तो अच्छा देखो एक बात और, अगर आपको के का वेरिएशन देखना है टेम्परेचर के साथ तो बाकी चीज़ें आपको क्या रखनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या मान रहे, ई ए एंड डेल्टा एच, ठीक है, आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक ना दिया जाए तब तक, अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप अपने मन से मत मान लेना, ठीक है, अपने मन से कभी हम नहीं मानेंगे। अगर आप के का वेरिएशन देख रहे हो टेम्परेचर के साथ, बाकी चीज़ें आपको क्या रखनी पड़ेंगी, कॉन्स्टेंट रखने पड़ेंगे। इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर टी वन की बात करूँ, लेट टेम्परेचर टी टी वन है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के वन, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगा, के वन बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी वन, ये इक्वेशन बनेगा बराबर। तो ये मान लो ये मेरा पहला इक्वेशन है, मान लो टी इक्वल टू टी टू, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट वेरी करता है, वो हमने देखा भी, हमें पता भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ते आ रहे हैं। तो के टू बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी टू, ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ, तो के टू बाय के वन बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी टू डिवाइडेड बाय ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी टू, दिस और दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मेरा क्या लिख सकता हूँ मैं, ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टी टू ई ए बाय आर टी वन, ये टी टू हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, ये वाला ई इधर चला जाएगा, तो एल एन के टू बाय के वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए करता हूँ, लेट ई ए बाय आर मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/T1 - 1/T2, तो ये मेरा क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो देखो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल रहा है, ई ए की जगह आप डेल्टा एच हम लिखते थे, और मैंने आपको पहले बोला ई ए, ये ई ए क्या है, रिएक्शन का ई है, दिस इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, मतलब बेसिकली दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, आई बात समझ में। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ के टू बाय के वन इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए बाय 2.303 आर 1/T1 - 1/T2, तो याद रखना कभी भी रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दिया हुआ तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूरे पूरे केमिकल काइनेटिक्स में यही लगता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं इनके ऊपर, ठीक है बेटा। तो इन चीज़ों को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ.
तो आई होप सो यहाँ तक आज 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 के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज यहाँ का लेक्चर आज में ही समाप्त करते हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ जो भी होगा आप अपने शीट्स वगैरह बनाते जाइए, डाउट्स रेगुलर अटेंड करते जाइए एंड गिव योर बेस्ट शॉट टू द टेस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।